महिलाओं के प्रति जो सम्मान के बात मोदी जी कहते हैं, ये सिर्फ छलावा है। उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। गुजरात सरकार ने रिहाई की है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। बिल्किस बानो, जिनके बलात्कारियों को रिहा किया गया, उसके बाद अब वाम दल के तमाम विधायक उनको दोषी मानते हुए सजा की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। हमारे साथ अमरजीत कुशवाहा है, क्या मामला पड़ रहा है सर? आप जानते हैं कि 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने का आह्वान किया था, और दूसरे तरफ उसी 15 अगस्त को बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और उनके परिवार के हत्यारों को, नरसंहार करने वाले लोगों को भाजपा की सरकार द्वारा रिहाई किया जाता है। इसलिए यह देश के लिए शर्म की बात है। महिलाओं के प्रति जो सम्मान के बात मोदी जी कहते हैं, ये सिर्फ छलावा है, सिर्फ धोखा है। आज हम लोग देश के नरेंद्र मोदी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि आप गुजरात के अंदर बिल्किस बानो हत्या बलात्कार कांड के दोषियों को जो छोड़ा गया है, उनको तत्काल जो है पुनः गिरफ्तार किया जाए और बिल्किस बानो को न्याय मिले। बिल्किस बानो को लेकर जो लगातार है माले के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगियाओं के माले विधायक हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं जो डिसीजन 15 अगस्त को लिया गया और आज आप लोग उनको सजा दिलाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल जघन्य अपराध है। सामूहिक हत्या हुई थी और सामूहिक बलात्कार हुआ था। उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी। सजा तो कम ही हुई थी, उम्र कैद की सजा। और गुजरात सरकार ने रिहाई की है, लोकतंत्र का गला घोटा गया है। ये बलात्कार और सामूहिक हत्या के जो कानून है, रेप के कानून का रेप किया गया बकायदा गुजरात की सरकार के द्वारा। ये लोकतंत्र का, न्याय का, संविधान का गला घोटा गया है और हत्या और रेप को गुजरात सरकार जायज ठहरा रही है। इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और पुनः उनको जेल में डाला जाए और उससे भी कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए और गुजरात सरकार पर भी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। तौर पर जो तमाम वाम दल के विधायक हैं वो बिल्किस बानो को न्याय के लिए अब बिहार विधानसभा के बाहर जो विरोध प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। बहरहाल तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।